दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मैथ फॉर यू में। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रही हूँ जिसकी मदद से आप 12th से लेकर 19th तक के टेबल कुछ ही सेकंड्स में बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ कि 12th से लेकर 19th तक के टेबल्स याद करने के लिए आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल्स अच्छी तरह से याद होने चाहिए, तभी आप ये ट्रिक को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 12 की टेबल से। मैंने यहाँ पर 12 वन ज़ा, 12 टू ज़ा, 12 थ्री ज़ा, 12 फोर ज़ा, अप टू 12 टेन ज़ा मैंने लिख लिया है। हम सबसे पहले यहाँ पर 12 है तो इसका यूनिट डिजिट है 2, तो हमें 2 की टेबल अच्छी तरह से याद होनी चाहिए और हम यहाँ पर 2 की टेबल लिख लेते हैं। 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, 2 थ्री ज़ा 6, 2 फोर ज़ा 8, 2 फाइव ज़ा 10, 2 सिक्स ज़ा 12, 2 सेवन ज़ा 14, 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन 2 2 एट ज़ा 16, 2 नाइन ज़ा 18 एंड 2 टेन ज़ा 20। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हम यहाँ पर 2 से 2 की टेबल जो है वो 2 वन ज़ा से लेकर 2 टेन ज़ा तक हमने लिख ली है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस टेबल को ये जो सिंगल डिजिट है इन सब के आगे हम ज़ीरो लगा देंगे। हमको हर नंबर 2 डिजिट की फॉर्म में चाहिए, तो ये सिंगल डिजिट है तो हमने इसके आगे ज़ीरो लगा दिए हैं। अब जो ट्रिक है वो कुछ इस तरह से है कि हम यूनिट डिजिट जो है वो उसको यहीं पर ऐसे ही लिखेंगे और जो ये वाला नंबर है 1, इसको हम इसके 10th डिजिट के साथ में ऐड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस 0 1, यानी कि 12 वन ज़ा 12। अब है हमारे पास में 4, हम ऐसे ही लिखेंगे, 2 को 0 से ऐड कर देंगे तो ये हो गया हमारा 24। 6 हम ऐसे ही लिखेंगे, 3 को हम 0 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो गया 36, यानी कि 12 थ्री ज़ा 36। 8 हम ऐसे ही लिखेंगे, 4 को हम 0 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 48। 0 हम ऐसे ही लिखेंगे, 5 को हम 1 के साथ ऐड कर देंगे तो ये हो गया 60। 2 हम ऐसे ही लिखेंगे, 6 के साथ हम 1 को ऐड कर देंगे तो ये हो गया 72। 4 हम ऐसे ही लिखेंगे, 7 को हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये हो गया 84। 6 हम ऐसे ही लिखेंगे, 8 को जब हम 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये आ गया 9। 8 हम ऐसे ही लिखेंगे, 9 के साथ जब हम 1 को ऐड करेंगे तो ये आ गया 10, यानी कि 12 नाइन सा 108। 0 हम ऐसे ही लिखेंगे, 10 के साथ जब हम 2 को ऐड करेंगे तो ये आ गया मेरा 120। तो हमने 12 की टेबल लिख ली है जो कि बहुत ही आसान तरीका है। आपको 10th डिजिट यूनिट डिजिट जो है वो ऐसे ही लिखनी है और ये जो नंबर्स है 1 टू 10 तक, इसको आपको यूनिट्स प्लेस में ऐड करना है, तो आप इस तरह से 12 की टेबल आपको मिल जाएगी। तो हम 13 की टेबल देखते हैं। अब 13 की टेबल में भी हमको ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम 3 की टेबल लिखते हैं, 3 वन ज़ा 3, और जैसे कि मैंने आपको 12 की टेबल में बताया आपको ये 2 डिजिट फॉर्म में चाहिए तो आगे इसके हम ज़ीरो लगा देंगे। 3 टू ज़ा 6, 3 थ्री ज़ा 9, 3 फोर ज़ा 12, 3 फाइव ज़ा 15, 3 सिक्स ज़ा 18, 3 सेवन ज़ा 21, 3 एट ज़ा 24, 3 नाइन ज़ा 27 और 3 टेन ज़ा 30। अब जैसा कि मैंने आपको 12 की टेबल में बताया, आपको यूनिट डिजिट एज इट इज़ लिखनी है और जो आपका ये नंबर है वो आपको 10th डिजिट में ऐड करना है। तो 1 प्लस 0 इज़ 13, 6 आपने ऐसे ही लिखा, 2 प्लस 0 26, 9 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 3 प्लस 0 39, 2 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 4 प्लस 1 52, 5 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 5 प्लस 1 6, 8 आपने ऐसे ही लिखा है, 6 प्लस 1 7, 1 आपने ऐसे ही लिखा है, 7 प्लस 2 9, 4 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 8 प्लस 2 104, 7 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 9 प्लस 2 117, 0 आप ऐसे ही लिख रहे हैं, 10 प्लस 3 130।
तो ये इस तरह से आपने 13 की टेबल लिख ली है। आप 12 से लेकर 19 तक का टेबल, चाहे वो 14 हो, 15 हो, 16 हो, 17 हो, 18 हो या फिर 19 हो, आप यही मेथड अप्लाई करके आसानी से लिख सकते हैं। ये आपके सिर्फ कुछ ही सेकंड्स लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी सवाल पूछना है या आप किसी भी तरह की कोई भी कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर आप इसी तरह के फ्यूचर में वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी मदद होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।